हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस का घर अब सज चुका है। और इस बार आई थिंक एक बार पहली बार ऐसा इतिहास में एक लंबे समय बाद होगा कि एक मियां बीवी बिग बॉस के घर में एक ही छत के नीचे सबके सामने दिखाई देंगे। इससे पहले आई थिंक अपूर्व शिल्पा ये कैसे बिग बॉस के इतिहास में ऐसे कपल थे जो इस घर में दाखिल होते, लेकिन अब बारी है रुबीना और मिस्टर शुक्ला की। तो आप इन दोनों को जानते हैं, तो रुबीना सबसे पहले आते ही दोनों मतलब इतना प्यार है कि हस्बैंड को साथ लेके शो में जा रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, शो चाहता था कि हम दोनों एक साथ आए, तब हमने डिसाइड किया कि हम बिग बॉस करेंगे। जब तक बिग बॉस चाहते थे हम अकेले आए, तब तक वी वर लाइक बिग बॉस हम आपके क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट नहीं होते एज अ सोलो कंटेस्टेंट। फिर बिग बॉस ने कहा कि आप दोनों साथ आए, तो वहां जाकर हमारे पूरा डायमेंशन चेंज हो गया एंड वी सेड यस लेट्स डू इट टुगेदर। और मैंने तो इसे कहा था कि यू शुड गो अलोन, अकेली जाएगी, इतने सारे लोग होंगे, वी आर नॉट सो फ्रेंडली, उनके बीच में रहना, उनसे यू नो आर्ग्यूमेंट्स होंगी, तो इट्स नॉट जस्ट कि तुम्हें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बल्कि तुम्हें अपने बारे में कि तुम स्ट्रेस में अंडर यू नो लॉट ऑफ स्ट्रेस कैसे परफॉर्म करते हो। बट शी इज लाइक व्हाई डोंट वी बोथ गो, we can share the stress. So maine kaha theek hai, we'll have somebody, you know, some sort of emotional support at least. जी, तो शुक्ला जी, आप तो एक बहुत बड़ा टफ रियलिटी शो पहले जीत चुके हैं, सर्वाइवर इंडिया, जो आई थिंक मोस्ट टफेस्ट शो इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आई थिंक फिजिकली मैं जीता नहीं था, बट आई वाज वेरी क्लोज टू विनिंग। हां जी, यस यस, यू वन ऑफ द मतलब मोस्ट प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट आई रिमेंबर, बिकॉज़ इट वाज टफ शो है जो इंडिया में लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत जाना जाता है। तो विल दैट ट्रेनिंग हेल्प यू, बिकॉज़ वहां पे चलो फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ यहां पर चाहिए, सो डू यू थिंक दैट शो वुड हैव हेल्प्ड यू इन दिस एज वेल? देखिए, उस शो ने मुझे लाइफ में बहुत मदद की है, बिकॉज पहले मैंने वो एक क्लीशे पढ़ा था, माइंड ऑफ अ मैटर, ये मैं किताबों में पढ़ता था, फैंसी किताबों में लोग बोलते थे मोटिवेट करने को, लेकिन उसका रियल मकसद, उसका क्या मायने क्या था, उसका मीनिंग क्या था, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन वो शो ने मुझे सिखाया कि अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस कर लें तो बॉडी सिर्फ एक यू नो वो जरिया है, वो उसको पूरा कर देगी। और ऑल्सो आई एम यू नो एक इनकी US Marines की saying है कि when you think you are done, अब कुछ नहीं किया जा सकता, सब हो गया, body जवाब दे चुकी है, that is the time when you are only 40% done। तो वो चीजें तब से इतनी अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी हैं कि अब जहां तक mental उसका physical you know endurance का सवाल है, तो I am not the one who will give up because I can convince my mind and yes थोड़ा काम आएगा, लेकिन इतने सारे लोगों में जो कि हॉस्टाइल भी हो सकते हैं, जो कि चिल्लाएंगे, जो कि तुम्हारी पर्सनल चीजें ऐसे बोलेंगे कि तुम प्रवोक हो जाओ, तुम्हें यू नो गाली भी दे सकते हैं कई लोग, उसके लिए मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बिकॉज इन पर्सनल लाइफ आई अवॉइड सच पीपल, मैं उनसे दूर रहता हूँ या उनको बोलता हूँ यार तेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी वो होता है ना पंजाबी में कहावत है कि गल पे ढोल बजाना पड़ता है, तो मतलब गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना ही पड़ेगा, तो इनको तो I'm prepared for that। तो रुबीना, जैसे मैंने जब मुझे पहले पता चला कि रुबीना जा रही है, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि 2020 में एक हिमाचल वाली ने देश को हिला दिया है, कंगना रनावत ने, अभी दूसरी आ गई है हिमाचल वाली जो टीवी को हिलाने वाली है। Good one। तो पहाड़ों की उम्मीद आपके ऊपर है। I like this. I think, you know, वो कहते हैं ना, मतलब जो आपकी जन्मभूमि है, that characteristic comes in your personality, वो personality में झलकता है। तो I think पहाड़ी लोग ना physically तो strong होते ही हैं, I think mentally और emotionally भी बहुत strong होते हैं। And of course we've seen quite many examples doing, you know, very brave tasks and also I think it as a compliment, yeah, thank you। तो और जब हिमाचल की मॉडर्न बहू एक पंजाब के संस्कारी पति के साथ हो, तो बहुत सारी चीजें जो असंभव है वो संभव की जा सकती है। जी जी जी, पंजाब से शुक्ला जी, मतलब पंजाब बहुत सारे पंजाब इस बार शो में है, तो मतलब ढेर सारी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ढेर सारे पंजाब को पहले भी आया है, तो इस बार तो पता नहीं लगता है कि भंगड़ा और गिद्दा ही होगा घर में, लगता है। तो क्या होती है पंजाब जी, पर तो वो पंजाबियों में वो क्या होती है कि बॉलीवुड से लेकर सब हिले रहते हैं, मतलब लंदन हिला दो, उन्होंने मुंबई हिला दिया, तो पंजाबीनेस क्या होती है जो आपको लगता है आप इस बार दिखेगी हमें? तो एक तो देखो, पंजाबी जो है ना, दे आर वेरी आउटगोइंग, लाइक दे आर एक्सट्रोवर्ट्स,
कभी भी देखना कहीं जगह जहाँ पे सब शांति होगी ना, चार लोग आएंगे आवाज कर रहे होंगे, लोग पंजाबी है तो उनको होता है वो पंजाबी आ गए, वो ऐलान करना बिना की हंसी बहुत तेज आ रही है तो उसके बाद जो पंजाबी आते हैं वो बोलते हैं अच्छा तू पंजाब से, आ जा बैठ जा तू मेरा दोस्त है. सो यू नो दैट लैंग्वेज इज अ कॉमन बाइंडिंग फैक्टर एंड यस पंजाबीज हैव सम द बेस्ट फनीएस्ट वन लाइनर्स. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तुर्की ने ये बताएं कि मतलब कि लाइफ आपकी अभी पिछले दो सालों में शादी के बाद काफी बदल गई है, आप काम भी कर रही हैं लेकिन अब नई जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, तो जब आपने ये शो करने का फैसला लिया तो आपके इन-लॉज का और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, अभी ये है वो है, मतलब हाउ द बोथ द फैमिलीज द लाइक फैमिली एंड द शुक्ला फैमिली रिएक्ट? विद शुक्ला बहुत ही सपोर्टिव रही है जब सवाल आया है मेरे करियर को लेकर, एंड आई वुड से द सेम लाइक फॉर हिज फैमिली आल्सो. हिज फैमिली हैज गिवन मी द कंप्लीट फ्रीडम. वो होता है ना कि आप परिवार में नए परिवार में जब जाते हैं, तो इस परिवार में जब मैं गई हूँ तो एज अ बेटी मुझे पहले वेलकम किया गया, देन एज अ वुमन. तो आई फील ब्लेस्ड अबाउट दिस थिंग एंड आई डोंट वांट टू टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड. अब ये बेटी पहले हम बेटे बाद में तो इसलिए जितनी फ्रीडम मुझे मेरे पेरेंट्स ने और सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है, उतने ही फ्रीडम और सपोर्ट इनके पेरेंट्स हमेशा से प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए वो जानते हैं कि मेरे लिए मेरा प्रोफेशन और मेरा करियर कितना इम्पोर्टेंट है. और एज अ वर्कहोलिक तो यू नो आप वो चीज कहीं ना कहीं अपने परिवार तक पहुंचा ही देते हैं. परिवार आप यू नो वो इम्पोर्टेंस जानता है कि काम की कितनी इम्पोर्टेंस है रुबीना की लाइफ में. तो उसके लिए दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड आई थिंक उनका पहला रिएक्शन नहीं एक सजेशन था कि बेटा गो डू वेल, बस आपस में मत झगड़ना. तो ये भी हो सकता है मियां बीवी के झगड़े जो कहते हैं दुनिया में सबसे मतलब उसका कोई, तो अब जो झगड़े जो अब तक घर में होते थे अब सबके सामने होंगे, तो मतलब ये कैसा होगा इक्वेशन? मतलब कहते हैं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है मियां बीवी का, लेकिन अब इस रिश्ते में 40 कैमरे और 13-14 अननोन लोग के साथ आप लोग मतलब एक रिश्ता अभी स्कैनर में. वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपने झगड़े लग रहे हो कि बहुत ज्यादा हैं और यू नो बहुत गंभीर हैं, तो बिग बॉस में चले जाओ, ऐसे झगड़े देखने को मिलेंगे कि तुम अपने पे हंसोगे, यार हम तो लड़ते ही हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, ये देखो लोग कैसे लड़ रहे हैं. सो यस हमारे बीच में मतलब थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लेकिन दे आर वेरी हेल्दी इन अ वे कि दोनों हम अपनी अपनी साइड रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन फिर म्यूचुअली ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. सो ऐसे नहीं होता कभी कि यू नो हर बैक इज टुवर्ड मी कि ठीक है यू नो यू डू व्हाटएवर यू वांट. So generally we find a solution. हम जैसे हम दो लोग हैं, हम दोनों के लिए हमारे पर्सनल स्फीयर में भी, हमारे पर्सनल स्पेस में भी, या हमारे फैमिली के सिनेरियो में भी, हम दोनों we are well read, we belong to a good family background. हम अब इतनी sense of maturity भी आ गई है. हम में एक बहुत मतलब वो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो एक दूसरे के लिए है वो है रिस्पेक्ट. तो हम पर्सनल लाइफ में भी ना इन सब चीजों को लेकर चलते हैं, और इन सब चीजों को जानते और मानते हुए हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती है और उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं. तो देखिए आपको डर वहां होता है या हेजिटेशन वहां होती है, शर्मिंदगी वहां होती है जहां आप एज एन इंडिविजुअल you don't accept your mistakes and flaws, और आप वो दूसरे पर डालते हैं और उसमें आप अपना कोई ऐसा साइड दिखाते हैं जो अनप्लेजेंट होता है, मतलब which is not acceptable अगर human emotion के उस पर लेवल पर बात की जाए. तो इन पर्सनल लाइफ वी हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, जो आई थिंक रिमेन्स द सेम. अब आप गेम शो में हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, आप वैसे ही रहेंगे. तो इस बात का हमें ना कोई मतलब ना कोई डर है, ना इस बात की कोई पहले से एक शर्मिंदगी है कि यार अगर मैंने ऐसा बोल दिया, आर्ग्यू कर लिया, या इसने किसी उसमें बात कर दी तो पता नहीं हाय हाय नेशनल टीवी पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हमारे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा वो नहीं है. यस डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, यस फाइट्स होती हैं,
आर्ग्यूमेंट होती है, बट देयर इज अ हेल्दी वे ऑफ सॉल्यूशन सीकिंग. और ये एक वजह ये भी थी जो मुझे लगता है कि हम दोनों ने अग्री किया अपनी प्राइवेट लाइफ को एक पब्लिक अरीना में लेकर आने का. क्योंकि देखिए इस एज में जहां पर यू नो देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस गोइंग अराउंड, देयर इज सो मच ऑफ ईगो हैसल गोइंग अराउंड, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, स्पेशली यू नो रिलेशनशिप और मैरिजेस में एक दूसरे की ओपिनियन तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, जो कि हमारे केस में भी होता है. ऐसा नहीं है दैट वी आर लाइक द परफेक्ट कपल, हमको सब पता है, नहीं. ये चीजें हमने अपनी लाइफ में सीखी. अब हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमारी कंटेम्पररीज को ना ये चीजें रिलेटेबल लग रही, और हमने जो जो चीजें सीखी है अगर हम उनको किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, विच बिग बॉस आई फील इज द राइट प्लेटफॉर्म टू यू नो एंश्योर के कैसे आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स एक हेल्दी तरीके से भी बता सकते. सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट वी डोंट हेजिटेट के यार अब पता नहीं क्या होगा, अब कैसे होगा. सो वी आर एटलीस्ट कॉन्फिडेंट इन दैट एस्पेक्ट बिटवीन अस. तो ये लेकिन जो अभी जो लम्हा है, पूरा देश ही बिग बॉस बना हुआ है इस वक्त, तो पिछले 6 महीने मतलब तो कि बिग बॉस की नजर में है उस वक्त. आप ऐसे शो में जा रहे हैं तो मतलब ये इत्तेफाकन है या मैं क्या बोलूं, मतलब पूरा वर्ल्ड आपके साथ रिलेट कर पाएगा क्योंकि सभी लोग इस वक्त बिग बॉस में ही है. तैयारी कितनी मुश्किल थी या क्या था ये जो मतलब कैसे तैयारी की, क्वारंटाइन रहे, कितना पैकिंग वगैरह, मतलब नहीं बल्कि अच्छा है ना कि वो बोलते हैं ना एक्लेमेटाइजेशन. जब आप यू नो माउंटेनियरिंग में यू नो व्हेन यू गो बियॉन्ड 6000 मीटर्स तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्लेमेटाइज. तो पहले आप 3000 पे यू नो कैंप लगाते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एंड देन यू अटेम्प्ट टू समिट. सो हमारे वो कैंप लग चुके हैं लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3. ठीक है, अब ये बिग बॉस वाला बड़े वाला लॉकडाउन. तो आई थिंक वी आर एक्लेमेटाइज and this is the season when you know people would be home, they would really want to see you know on screen kya ho raha hai, and especially jab wo hamari badi badi ladaiyan dekhenge to unko apni ladaiyan choti lagengi. So we just plan to entertain them, we don't plan to fight, we plan to entertain them. तो उम्मीद करते हैं कि जो ये आपका ये जोड़ी जो जा रही है मियां बीवी, ये दर्शकों का दिल जीते. और एक जैसा कि इन दोनों ने कहा कि मिस्टर नितिश शुक्ला भी एक नया एग्जांपल सेट करेंगे, पति पत्नी क्या करते हैं बिग बॉस के घर में, अब ये देखना मजेदार होगा. आप दोनों को ऑल द बेस्ट, मे यू रॉक. थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू नो एंड टॉक टू यू. एंड यस सेम हियर.